मुरादाबाद के एसएसपी कार्यालय पर पुलिस झंडा दिवस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। पुलिस के द्वारा पुलिस ध्वज फहराया गया। बताया गया कि 23 नवंबर 1952 को पुलिस लाइंस लखनऊ के परेड ग्राउंड में वार्षिक पुलिस परेड के अवसर पर राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पीएसी को ध्वज प्रदान किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में आज यह आयोजन किया गया। पुलिस ध्वज का आकार 4 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा तथा ये 2 रंगों का है, जिसमें ऊपर लाल रंग और नीचे नीला रंग है। मध्य में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। हाल ही में महामारी कोरोना की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है और पुलिस अपने कार्य में लगातार लगी हुई है। आज झंडा रोहण किया गया और सलामी भी दी गई। झंडा दिवस के अवसर पर अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को संदेश दिया गया कि जिस कर्तव्यनिष्ठ शौर्य निष्ठा लगन के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस को ये ध्वज प्राप्त हुआ है, उस ध्वज की गरिमा को हमेशा बनाए रखना सभी पुलिस कर्मियों का परम कर्तव्य है। 23 नवंबर को पुलिस के द्वारा झंडा दिवस मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्वज प्रदान किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ध्वज के सम्मान में पुलिस बल के शौर्य एवं बहादुरी के प्रतीक के रूप में झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस हमें कर्तव्य पालन की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी के संबंध में आज झंडे का अभिवादन के साथ साथ माननीय डीजीपी महोदय का संदेश जो पुलिस कर्मियों के लिए था, उसको पढ़ करके सुनाया गया। न्यूज डेस्क INN।